हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन का एक बोर्ड के ऊपर आपको प्लान जो है वो पूरा गाइड करके बताऊंगा, तो वैसा ही वीडियो मैं लेके आया हूं। आप इस वीडियो के अंदर जान पाओगे कि कैसे आप छोटी सी अमाउंट से लाखों की अर्निंग कर सकते हो, आपने क्या स्ट्रक्चर लगाना है, और अगर हम देखें तो इस संस्था की तरफ से क्या हमें जहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है। जो पुराना कम्युनिटी प्रोग्राम था और उसके बाद जो उसको अपडेट किया गया, क्या क्या चीजें अपडेट हुई और वो अपडेट क्यों जरूरी थी। अभी इस प्लान के अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से अर्निंग आने वाली है ना, तो आपका काम रुकेगा और बहुत स्पीड से अपग्रेड होंगे, और जब स्पीड से अपग्रेड होंगे तो आपकी इनकम भी जो कहीं ना कहीं जाके रुक रही थी, आ नहीं रही थी, वो बहुत स्पीड से भागने वाली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पहले सिस्टम कैसे चल रहा था, कहां पर दिक्कत थी, उस चीज को कैसे जहां पर इस संस्था ने रिमूव किया है, और अभी नया जो कम्युनिटी प्रोग्राम है और पीडीएफ है उसको लॉन्च कर दिया है। अगर आपने पीडीएफ का वीडियो नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब के ऊपर जहां पर पीडीएफ को एक्सप्लेन किया है। आज थोड़ा टेक्निकली जान लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अभी बात करते हैं SMRBF की, श्रीमा रोटी बैंक फाउंडेशन। पहला प्लान कैसा था, उसके अंदर दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, क्या ऐसा रीजन था कि इतने बड़े लेवल के ऊपर काम करने के बाद भी इसके प्लान को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया, और वो चेंज संस्था के जो CMD सर हैं उन्होंने अपने लिए नहीं किया, आप सब लोगों के लिए किया है। इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पर समाज कल्याण की बात हो रही है, जहां पर 20 रुपए का पिन पहले भी संस्था के पास जा रहा था और अभी भी 20 रुपया जो आपका पिन का देते हो वो अभी भी संस्था के पास जा रहा है, तो जहां पर संस्था के लिए कोई चेंज नहीं है लेकिन कम्युनिटी प्रोग्राम में चेंज है कि जो लोग कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्टिवेटली काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो पहले देख लेते हैं पुराना प्लान क्या था। हम जहां पर लिख लेते हैं ओल्ड, पहले क्या था, हम जहां पर एक आईडी लगाते थे जिसको हम मान लेते हैं यू, ओके, और उसके बाद हम जहां पर दो डायरेक्ट करते थे, एक इधर कर लिया एक इधर कर लिया, जिसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी। अब यहां से इस आईडी को हम अपग्रेड करते थे 220 रुपए से, ओके, जहां पर हमारा 220 रुपए लगता था, और जे आईडी भी 220 से लगती थी और जे आईडी भी 220 से लगती थी। इससे होता क्या था, इससे हमें जहां पर इस आईडी का ए का जहां पर कितना चला जाता था 200 रुपया डायरेक्ट, और बी का 200 रुपया डायरेक्ट, ओके, तो हमें 400 रुपए की अर्निंग हो जाती थी। लेकिन इतना काम करने के बाद आगे दो कंडीशन थी जो स्टार्टिंग से थी। पहली कंडीशन क्या थी, मैं आपको वो भी बता दूं। पहली कंडीशन थी कि आपने दो लेवल अपग्रेड करने हैं, और दूसरी की थी कि आपने कम से कम अपने रेफरल लिंक से दो लोगों को डायरेक्ट करना है। ये दोनों काम करने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती थी। अब इसमें दिक्कत क्या थी तो मैं आपको बताता हूं। होता क्या था, मैंने 220 से स्टार्ट किया और आगे दो लोगों ने 200-220 से स्टार्ट कर लिया। अभी मेरे को ये पहली कंडीशन फुलफिल करने के लिए दो लेवल, यानी कि पहला लेवल कितने का था, आप सभी जानते हो पहला लेवल था 200 का, वो मेरा जहां पर एक्टिवेट है, ये हो गया पहला, और ये दूसरा कितना था 300 का, तीसरा कितना था 600 का। तो हमें जो पहले वाले जो दो थे ये कंपलसरी थे कि अपग्रेड करने हैं। लेकिन हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि हमने जहां पर 220 से स्टार्ट किया, दो लोगों को लगा दिया, 400 रुपया मेरे पास आ गया। जब मेरे पास 400 रुपया आ गया तो मैं उससे क्या करता था, 300 वाला अपग्रेड कर लेता था। अब मेरा तो 300 वाला अपग्रेड भी हो गया और नीचे दो लोग भी लग गए, लेकिन ये दो लोग क्या वेट कर रहे हैं कि अभी इनके नीचे दो लोग लगेंगे, वहां से इनको 300 रुपया आएगा तो ये अपग्रेड करेंगे। और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो दो डायरेक्ट कर ही नहीं पाते थे, ओके, और कई तो ऐसे होते थे कि उन्होंने बस जहां पर आईडी लगा के छोड़ दिया, आगे उनको प्लान को समझ ही नहीं आया कि अभी मेरे को करना क्या है। ये दो कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं किया और हुआ क्या, इनकम रुक गया। इनको जे आगे अपग्रेड कर नहीं रहे, ना इसको पैसा जा रहा है, जे आगे अपग्रेड कर नहीं रहा ना इसको पैसा जा रहा है। जब ऊपर आपका अपग्रेड का पैसा जाएगा नहीं तो जे बंदा क्या वेट कर रहा है कि मेरे को नीचे से दोनों का 300-300 आ जाए तो मैं 600 के अपग्रेड करूंगा, जे वाला अपग्रेड करूंगा, लेकिन नीचे से पैसा आ नहीं रहा और आगे अपग्रेड हो नहीं रहा। तो ये दिक्कत थी, बहुत सारी ऐसी आईडी थी जो 220 की लगने के बाद वहीं पर ही रुक गई। और कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी आईडी को जहां पर जैसे हम बोल दें
जहां पर 520 से कर भी लिया, 220 प्लस 300, 520 से कर भी लिया, लेकिन आगे काम नहीं हुआ, क्योंकि आगे जे भी 520 से करेंगे, जे भी 520 करेंगे तो जाके इसकी इनकम स्टार्ट होगी। तो हर कोई क्या करता था, पहली बार हम जब प्लान बताते थे तो प्लान के अंदर लिखा हुआ था कि पहला लेवल है 200 का, और हर कोई 200 का लेवल पहला स्टार्ट कर देता था, उसके बाद वो वेट करने लगता था। कुछ लोग दो लगा नहीं पाते थे, कुछ लोगों को जो टारगेट है दो, जो दोनों कंडीशन थी वो समझ नहीं आती थी, तो काम रुक जाता था और हम वेट करते थे कि नीचे से पैसा आए। हम बार बार कॉल करते थे कि भाई आप 300 वाला अपर करो, आगे से क्या बोलता था हमारा रेफर कि भाई अभी तो मेरे को नीचे से कुछ आया ही नहीं, मैं कैसे अपर कर लूं, नीचे से आएगा ना फिर करूंगा। हर कोई नीचे से आने की वेट कर रहा है। तो हुआ क्या, 4 लाख से ज्यादा वॉलंटियर जुड़ गए 6 मंथ के अंदर अंदर इस संस्था के साथ, और उसके बाद 1,93,000 ऐसी आईडी थी जो सिर्फ 220 से लगी हुई थी और आगे काम नहीं हो रहा था, यानी कि 50% आईडी हम बोल सकते हैं, 50% आईडी बस अपना पैसा लगा के होल्ड करके बैठे हुए थे, ना अपलाइन को पैसा जा रहा है ना नीचे से पैसा आ रहा है, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। अपलाइन को भी अगर पैसा जाएगा तो अपने लेवल अपने करेगा, और ऊपर पैसा जाएगा और नीचे और टीम लगाएगा, तो ना अपलाइन को मोटिवेशन मिल रहा था ना ही आपको, क्योंकि आप क्या वेट कर रहे थे कि नीचे से पैसा आएगा तो मैं आगे लगाऊंगा। तो इस चीज को संस्था ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी इस प्लान को अपग्रेड कर दिया गया है। आज इसकी वेबसाइट भी आप देख रहे हो ऑनलाइन हो चुकी है, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो आप तो मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगा जब वेबसाइट पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब वेबसाइट ऑनलाइन हो चुकी है और वेबसाइट चल रही है अभी। दोस्तों जहां पर आप देखो कि न्यू प्लान में क्या हुआ, ध्यान से समझना, तो अभी न्यू प्लान में क्या है, हम जहां पर लिख लेते हैं न्यू, ओके। अब पहला लेवल कितने का है, 300 का, दूसरा कितने का है, 600 का, और तीसरा कितने का है, 2,000 का। अभी जहां पर आपकी आईडी लगेगी, ये हो गई आपकी आईडी, अब ये आईडी लगती कितने से है, पहला लेवल कितने का है, पहला लेवल कितने का है, 300 का, तो ये आईडी स्टार्ट होगी 300 रुपए से, ओके। 300 से आईडी स्टार्ट होगी, दो जहां पर भी डायरेक्ट करने हैं वो वैसे ही है, ए कर दिया बी कर दिया, ओके। अब जे लोग भी कितने से स्टार्ट करेंगे, 300 से, 300, 300। अब जहां पर 200 वाला कंडीशन है ही, अब होगा क्या, दो कंडीशन थी पहले। पहली कंडीशन फिर से मैं लिखता हूं कि दो लेवल को अपग्रेड करना, और दूसरी कंडीशन थी दो लोगों को डायरेक्ट करना। अब जहां पर देखिए दोस्तों हुआ क्या, दो लेवल को अपग्रेड क्यों करते थे, क्योंकि पहला 220 का और बाद में 300 का। अब जहां पर क्या हुआ, 300 का हमने डायरेक्ट ही कर लिया, तो ये कंडीशन तो जहां पर हट गई, ये कंडीशन तो आप क्रॉस कर दो कि आपने जस्ट 300 से किया, अभी आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहली कंडीशन जहां पर रिमूव कर दी गई है संस्था की तरफ से। अब एक ही कंडीशन बची, वो क्या है, दो लोगों को डायरेक्ट करना। तो भाई जब आपने 300 से स्टार्ट किया, आपको पहले दिन से बोला जा रहा है कि आपने खाली दो लोगों को डायरेक्ट करना है। अब जब आपने दो लोगों को डायरेक्ट किया तो वो भी 300 300 से करेंगे, तो वहां पर उनके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों ये 300 रुपया, अभी जहां पर ध्यान से समझना, ये जो 300 रुपया है ये जाएगा आपके अपलाइन को, आपको नहीं। जहां पर हम लिख देते हैं अपलाइन, जहां पर भी हम लिख देते हैं अपलाइन, ओके। तो दोस्तों ये पैसा गया ऊपर। अब आपने जब इन दो लोगों को लगाया तो आपने क्या बताना है, ये कंडीशन तो है ही नहीं, ठीक है, एक ही कंडीशन है जहां पर हम डालेंगे कि दो लोगों को डायरेक्ट करना है। आपने इसको लगाया, इसको क्या बोला कि भाई तेरे को दो डायरेक्ट करने हैं, इसको भी बोला भाई तेरे को दो डायरेक्ट करने हैं। जैसे ही इन्होंने आगे अपने, हम बोल देते हैं सी, हम बोल देते हैं डी, हम बोल देते हैं ई, और इसको बोल देते हैं एफ। जैसे ही इन्होंने दो दो डायरेक्ट किए, क्योंकि दो डायरेक्ट करना है, ये कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको अपनी आईडी लगाई, आगे दो लोगों को डायरेक्ट करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब जो बंदा बोलता है कि मेरे को, मैं दो डायरेक्ट नहीं कर पाता, मेरे को मैं दो डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आपका काम ही नहीं है जहां पर इस संस्था के अंदर, आप कोई और काम कर लो। अगर आप दो लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप 300 लगाकर, आईडी लगाकर आप छोड़ दोगे, उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उससे बेहतर है आप इसको ज्वाइन मत करो,
ओके। और जो बोलता है कि हाँ यार मैं दो लोगों को डायरेक्ट में कर ही दूंगा, 300 रुपया है, कोई बात नहीं, ऐसे बात नहीं, मैं दो लोगों को कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने दो लोगों को किया, कितने कितने से किया, 300, 300, क्योंकि 300 से नीचे हो ही नहीं रहा। अब ये कितनी बार आया, देखो 1, 2, 3, 4, ये किसको जाएगा, आपको। इसका किसको जाएगा, आपको। इसका किसको जाएगा, आपको। और इसका किसको जाएगा, आपको। तो आपके नीचे जैसे आपने दो लोगों को डायरेक्ट किया, उन्होंने आगे दो दो को किया, तो आपको आ गया जहां पर 1200 रुपया। सिर्फ सिंपल आपने किया क्या, आपने खुद एक्टिवेट किया, आगे दो लोगों को लगाया और उनको बोला आप दो दो डायरेक्ट कर दो, उन्होंने आगे दो दो डायरेक्ट किए, तो हुआ क्या, 1200 रुपया सीधा आपकी पॉकेट में। भाई इससे आसान प्लान और क्या मिलेगा। और ना किसी को दोबारा बोलना है कि आप अपग्रेड करो, जैसे 220 के अंदर क्या होता था, पहले 220 से आईडी लगती थी, फिर हम 300 वाला अपग्रेड करवाते थे, वो नीचे से वेट करते रहते थे कि 300 वाला कोई अपग्रेड करेगा तो पैसा आएगा तो आगे जाऊंगा। अब जहां पर क्या हुआ, 1200 रुपया आपके पास आ गया, जैसे ही 1200 रुपया आया आपके पास, उसमें से आपने 600 वाला एक्टिवेट कर दिया, जे वाला, तो आपका 600 वाला भी एक्टिवेट हो गया और 600 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ही जे लोग अपने दो दो करेंगे तो आपको कितना आएगा इस लेवल से, 600 रुपया, कितने से, 8 लोगों से, ठीक है। कितने हो गए जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग जुड़ेंगे आगे, और इन 8ों लोगों का आपको कितना आएगा जहां पर, 600, 600 रुपया, कितना हो गया, 4800। और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सबको बताया कि आपको दो करने करने हैं, वही बंदा ज्वाइन करेगा जो दो कर सकता है, सिंपल है। जो बंदा दो कर नहीं सकता हम उसको लगा ही नहीं रहे, तो आपका काम भी नहीं रुक रहा और आपका पैसा भी नहीं रुक रहा। और आपको किसी को फोर्सफुली ये भी नहीं कहना कि आप अपनी पॉकेट से पैसा लगाओ, क्योंकि जो पैसा जहां पर आपको 4800 आएगा, 4800 जब आपके पास आएगा, तो अगला लेवल कितना है, 2000 का, 2000 का लेवल अपग्रेड करो, 48 में से 2000 अगर गया तो 2800 आपका फिर से डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। और इसी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करो भाई, इतना पैसा आएगा आप इतना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पिछले प्लान में ये कमी थी 220 रुपए वाली, अगर उसके चलते भी लोगों ने जहां पर लाखों कमा लिया, तो अभी तो वो दिक्कत भी नहीं है। संस्था बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये संस्था लंबी नहीं चलेगी, ये संस्था का प्लान बंद हो जाएगा, ऐसे प्लान पहले भी आए हैं, तो पहले जितने भी प्लान आए हैं ना दोस्तों, मैंने भी देखे हैं, हमने भी किए हैं, उसके अंदर क्या था, संस्था सिर्फ अपनी पॉकेट के बारे में सोच रही थी। ओके, वहां पर क्या होता था कि एक बार प्लान मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी जिसको जितना पैसा आ गया, ठीक है, 2-3 मंथ बाद अपना बोरी बिस्तरा गुल करो और जहां से निकल जाओ। जहां पर अगर संस्था का मोटिवेशन सिर्फ पैसा कमाना ही होता, तो संस्था को तो पहले भी 20 रुपए आ रहे थे ई पिन के, अभी भी 20 रुपए ही आएंगे ई पिन के। तो संस्था ने आपके लिए सोचा है, कम्युनिटी के लिए सोचा है, कि जो लोग इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, इतने इतने लेवल अपग्रेड करके बैठे हैं, उनकी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक मूव है, आने वाले टाइम में इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा पड़ता है बुरा पड़ता है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बाकी आज का जो बेसिक प्लान सिनेरियो था, मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूं आपको जो पसंद आया होगा। अगर आपको जो पसंद आया तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सारे लिंक मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम का है, चाहे वो इंस्टाग्राम का है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और इस संस्था के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरा काम है कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कोई भी अपडेट मेरे पास है, उसको वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना। अगर आपको किसी भी संस्था के साथ जुड़ना है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट आप लोगे तो रिस्क भी आपका होगा। थैंक यू।